जो चिड़चिड़ापन था, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, कई सारी बीमारियां भी थी जैसे हाई बीपी था। मेरा नाम ऋचा गुप्ता है, मैं भुवनेश्वर से हूँ। मैं छोटे से ही बहुत आध्यात्मिक थी। रोज़ सुबह उठ के हम लोग शिव जी की पूजा किया करते थे। पापा भी बहुत आध्यात्मिक हैं और व्रत ये सब मम्मी भी करती हैं, पूजा पाठ में सबको है। फिर मैं शादी होके जिस फैमिली में आई, ये गुप्ता परिवार में, वहाँ पर भी मम्मी जी हमेशा से सत्संग में थी, दादा भगवान के सत्संग में। तो उन्होंने हमेशा, मतलब इतना पॉजिटिविटी था चारों तरफ। पापा भी बहुत आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं। तो ये जो बोलते हैं कि अपना एक सोल है, कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होते हो एक वैसी फैमिली से जो पहले से आध्यात्मिक था, फिर और एक फैमिली में आना, तो वो कहीं ना कहीं तो वो कनेक्टिविटी है। और फिर मेरे हस्बैंड भी वैसे आध्यात्मिक हैं और मेरा आध्यात्मिकता से बहुत गहरा संबंध है। मैं बहुत क्रिएटिव पर्सन हूँ। मेरे को मैं एक डांसर हूँ, क्लासिकल डांसर, और मेरे को सबसे बड़ा गिफ्ट वो नटराज भगवान का मिला था मुझे। और जब मैंने मेडिटेशन किया अभी 40 डेज के बाद, फिर मैंने और कंटिन्यू किया, तो उसमें मेरे को फिर से वो नटराज भगवान दिखा। तो उसका ये संकेत था कि मैंने जो चीज़ बंद कर दिए थे, डांस करना, सब कुछ करना, मैंने फिर से चालू किया मेडिटेशन में आने के बाद। मैं ड्राइंग करती हूँ, गाना गाती हूँ, पोएम्स लिखती हूँ, डांस भी वापस चालू किया है। हर समय खुशनुमा मिजाज रहता है और लोगों को दिखता है चेहरे पे, गुस्सा जैसे ख़त्म सा हो गया है। कई सारी बीमारियाँ भी थीं जैसे हाई बीपी था, तो वो भी अभी एकदम नॉर्मल हो गया कई दिनों से मेडिटेशन में आने से। कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है एंड बच्चे लोग को भी अच्छा लगता है। जो चिड़चिड़ापन था, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, तो जब मेडिटेशन में जब ये सुना कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, हम लोग अपनी जीवन की वास्तविकता खुद रचते हैं, तो वही बात है कि जब खुद ही रचे हैं तो फिर क्यों चिड़चिड़ करना। तो ये चीज़ मेडिटेशन में आके पता चला कि मैं अपना गुस्सा अपने बच्चों पे क्यों उतारती हूँ, मैं उन पे क्यों झुंझुला जाती हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये तो मेरा ही किया कराया है। तो जब आप अपने ध्यान में जाते हो, अपने सांसों से कनेक्ट होते हो, तब पता चलता है। रहा बात हस्बैंड के साथ, हम लोग की बहुत खटपट चलती है, छोटी छोटी बात पे हम लोग झगड़ लेते हैं, लेकिन अब जब से मेडिटेशन में हैं तो ये कभी डिस्टर्ब नहीं करते जब मैं करती हूँ। और वापस से किताबें पढ़ने लग गई हूँ, बहुत सारे धार्मिक किताबें हैं, तो ये बल्कि खुद मंगा के देते हैं, अब तू पढ़ ले, तेरा ख़त्म हो गया क्या, तू पढ़ ले। तो और अब तो हम लोग काफ़ी बातें भी करते हैं, इनको भी अच्छा लगता है कि चलो मेरे जैसे थोड़ी सी हो रही है, इसको भी कोई चीज़ में मन लग रहा है, खुश है। और इसमें अपना धार्मिकता में आने के बाद, ध्यान में बैठने के बाद, मन को एक शांति मिलती है। आप अपने की पहचान खुद से करते हो। आप जब ध्यान में बैठते हो तो आपको ये दिखता है कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो, और आपको वो बातें जो आपको किसी से जोड़ती हैं वो याद आती है, क्योंकि आप अपने आप को खोज करते हो, औरों में नहीं करते। मेरे जब दूसरा बच्चा होने वाला था सेल्वी, मेरे दादा ससुर की डेथ 3 दिन पहले हुई थी, 6 जनवरी को हुई थी और मेरी बेटी 9 जनवरी को हुई। हम लोग के हिंदू धर्म में है कि आप जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, गर्भवती, वो जाके शव के पास नहीं जा सकती। तो मैं बहुत रोई थी, मैं बहुत अटैच थी कि जब मुझे बेटी हुआ तो भगवान के रूप में मेरे को बाऊजी दिखे, मैं दादा ससुर दिखे और कोई नहीं दिखा, क्योंकि वही एक जन थे घर में, हमेशा बोलते थे कि तुझे लड़की होगी, तेरे जैसी सुंदर एक लड़की आएगी मेरे घर में। मैं उस दिन रोई भी बहुत। और ये जिस दिन हम लोग ध्यान में बैठे थे, जब हम लोग को पितरों से कनेक्ट करना था, उनकी ये छवि मेरे सामने पूरी साक्षात हुई कि उन्होंने बोला कि देख, मैंने बोला था मैं आ गया वापस,
और इस बार तू मेरी माँ और मैं तेरा बच्चा। तो ये ध्यान में बैठने के बाद था, और सच में जब बेटी को इन्होंने गोद में लिया था तो इन्होंने एक ही बात बोला, बोले कि तुमने मेरे बाऊजी को वापस लौटा दिया। तो कनेक्शन इतना डीप होता है ये नहीं पता था, वो ध्यान में बैठने से पता चला मुझे कि इतना डीप कनेक्शन होता है कि वत सिंह। और एक मैं हूँ, मैं क्या हूँ ना, मैं बहुत सामान थोड़ा सा बिखेर के रखती हूँ, मेरी बहुत गंदी आदत है, तो मुझसे लगता है बाद में लेजी हूँ उस चीज़ में कि उठाऊँगी नहीं उठाऊँगी। फिर एक सेशन था कविता दी का कि डी क्लटर योर सेल्फ, और अब तो उल्टा हाल है, लगता है कि जो एक्स्ट्रा सामान है निकाल के फेंक दो। उस चक्कर में कई बार होता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी निकल गई। तो वो डी क्लटरिंग भी जो है, वो जो सेशन में था उसमें मैंने सीखा। पहले मैं सब तरह की किताबें पढ़ती थी, अब धार्मिक किताब पढ़ती हूँ, क्योंकि अब उसमें लगता है कि अपनी खोज हो रही है, कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढ रहे हैं। और पेंटिंग का बहुत शौक था, तो जब एक सेशन था जिसमें हम लोगों को था कि ड्राइंग की अपने खोज करो, आपका पैशन क्या है उसको जियो, तो उसमें मेरे तो इतने पैशन है, खाने बनाने का शौक है, ड्राइंग करने का है, तो खाने तो ग्रहणी हूँ तो खाना तो बनता ही है रोज़, लेकिन जो ड्राइंग करना कहीं ना कहीं छूट गया था ध्यान में बैठने से। जैसे लगा कि आया था कि नहीं, आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करो, आप अपने आप को खोजो। और सच में वो अपने जब ड्राइंग भी करते ना, वो एक तरह का ध्यान है उसमें, क्योंकि बहुत शांति चाहिए, बहुत आपको अपने आप में खोना पड़ता है। तो मेरे को लगता है वो भी एक ध्यान के कारण है कि मैं बैठ जाती हूँ इतने देर तक। पहले मैं सीढ़ी चढ़ती थी, मुझे याद है मेरी सांस फूलती थी, अब वो भी नहीं है। जैसे श्वास जीने के लिए सबको ज़रूरी है, उसी से अपने ज़िंदा रहते हैं। आप ध्यान में बैठोगे, अपने श्वास को जानो, तो ज़िंदा क्या, आप पूरा ब्रह्मांड घूम लोगे, आपको इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस होंगे। जब आप बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका सबसे बड़ा साथी तो आपका दोस्त है। और पथरी सर भी बोलते हैं आपका श्वास ही आपका गुरु है। सच में आप अपने सांसों से दोस्ती कर लो, और किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। तो मैं तो यही बोलूँगी, जितने ध्यान में बैठो उतना अच्छा है। मेरे खुद के एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत कुछ वैसा करना चालू कर दिया है, वही मुस्कुराहट जो पहले कई सालों पहले थी वो वापस से है चेहरे पे। और सब कोई चाहने लग गए हैं, बच्चे लोग भी बोलते हैं मम्मी आप बहुत खुश रहते हो, ये भी बोलते हैं कि अरे तू वापस से वैसे हंसने लग गई है। और मैंने अपने जितने भी पैशंस थे, जितने भी मैंने जो शादी के पहले था, मैंने वापस से सब चालू किया है। आर्ट करती हूँ, गाना सीखती हूँ, डांस करती हूँ, खुश रहती हूँ दिन भर। ये केवल इसलिए है कि मैं ध्यान में आई। मैं अपने मास्टर्स को, पत्री सर को, कविता दी को, प्रीता को, सबको तहे दिल से नमन करती हूँ। आज उन लोग दोस्त होने के साथ साथ बहुत बड़े मास्टर्स हैं, उनकी गाइडेंस के थ्रू आज उनका था कि मैं आज इस पद पे हूँ और बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं सबको यही बोलूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ ध्यान में बैठिए, एक बार बैठ के देखिए, आपको लगाव हो जाएगा जो छूट नहीं पाएगा। धन्यवाद।